YouTube चैनल यूथ क्लब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके गंभीर समस्या के बारे में, जो कि है कि किस तरीके से आर्टिकल लिखा जाए। तो इसका आज मैं जवाब लेकर के आया हूं बहुत ही आसान तरीके से, कि हर एक बच्चे की ये समस्या आज जड़ से खत्म हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि हाउ टू राइट आर्टिकल। बिना समय का बर्बाद करते हुए बिगिन करते हैं वीडियो को। देखिए आपको किस तरीके से आर्टिकल लिखना है, एंड तक वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही आसान से ट्रिक के बारे में बात करने वाला हूं, जिसके जरिए आपकी समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो करना क्या है, देखिए आपको इस वीडियो से इतना सीखना है कि हमें किस तरीके से लिखना है। तो ये सबसे पहला जो स्टेप है उसमें वह क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना टॉपिक पहचानना है, समझना है टॉपिक क्या है। ठीक है, जस्ट पहले तो क्या कीजिए, जस्ट एनालाइज योर टॉपिक, कि आपका टॉपिक क्या है, व्हाट्स योर टॉपिक इज। ठीक है, इतना समझने के बाद आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, आपको बता रखा होगा कि ये समस्या है, या फिर आपको ये परेशानी है, या फिर आपको इस मुद्दे पर बात करनी है। तो वो मुद्दा होगा या वो परेशानी होगी या वो चीज होगी, जो आपका टॉपिक होगा, आपको उसे एनालाइज करना है। टॉपिक तो सर पता चल जाता है, आपने कोई बड़ी बात नहीं बता दी है, कोई बात नहीं, लिखना समझाएंगे सिखाएंगे, समझ रखो जरा बस। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से आपको टॉपिक लिखना है। ठीक है, कि किस तरीके से टॉपिक लिख दिया आपने तो आपको मिल गया। उसके बाद उसके डिस्क्रिप्टिव, 150 से 120 से 150 शब्दों में आता है सर, हमें समझ में नहीं आता क्या लिखे इससे 120 150 शब्दों में। ठीक है, वही चीज समझाएंगे आपको आसानी तरीके से, कि आप किस तरीके से बड़े प्यार से अपनी वर्डलिमिट पूरी कर सकते हैं। देखिए आपने अगर सपोज करो अपना टॉपिक देख लिया, तो चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक टॉपिक ले लेते हैं। सपोज करो मैंने मान लिया मेरा टॉपिक, हमारा जो टॉपिक है वह है पीयर प्रेशर। क्या है? पीयर प्रेशर। तो देखते हैं कि इसके ऊपर कैसे लिखेंगे, बच्चों के दिमाग में आता है सर पता नहीं कैसे लिखेंगे पीयर प्रेशर के बारे में। देखिए सबसे पहला जो आपको काम करना है वह क्या करना है, यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ योर टॉपिक। आपको अपने टॉपिक की क्या लिखनी है बच्चों, डेफिनेशन, डिफाइन द टॉपिक, डिफाइन द टॉपिक। ठीक है, अब टॉपिक को डिफाइन करना है, टॉपिक को डिफाइन करोगे आप मेरे हिसाब से 15 वर्ड्स तक तो आपका हर हालत में खींच ही जाता है। ठीक है, मुझे मैं बताऊंगा आपको कि 30 शब्दों में कैसे खींचना है। ठीक है, तो देखेंगे कैसे आपको 30 वर्ड्स तक अगर आप चाहें तो कर सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी डेफिनेशन को। जैसे मैं समझाऊंगा पीयर प्रेशर के बारे में, मुझे डेफिनेशन लिखनी हो तो कैसे बताऊंगा मैं, तो मैं बताऊंगा कि इट इज द कंडीशन ऑफ द एनवायरमेंट विच द वन हैज इन हिज लाइफ। ठीक है, ये जो उसकी कंडीशन है, एनवायरमेंट है, जो उसका प्रभाव होता है उसके व्यक्ति के ऊपर, उसको हम पीयर प्रेशर करते हैं। ठीक है, तो अदर वर्ड्स में क्या लिखते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज द सिचुएशन इन विच द वन एक्वायर द हैबिट्स एंड द वेरियस एक्टिविटीज फ्रॉम हिज सराउंडेड एनवायरमेंट। ठीक है, तो आपको हमने बताया दूसरे शब्दों में कि भाई वो एक व्यक्ति के द्वारा जो मैनर सीखता है अपने आसपास के वातावरण से, उसे भी हम क्या कहते हैं, पीयर प्रेशर कहते हैं। वो पता लगे कि अच्छा होगा या बुरा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने टॉपिक को लिखना है। तो सिंपल वे में हर एक कोई आपके से टॉपिक तो डिफाइन कर देगा, वही ऐसा तो कोई नहीं है कि डेफिनेशन भी ना लिख पाए थोड़ी सी। ठीक है, फिर अदर वर्ड्स आपको आपको डिफाइन कर दिया, सपोज करो आपकी जो नॉर्मल डेफिनेशन, ठीक है नॉर्मल डेफिनेशन लिखी, उसके साथ आपको क्या प्लस करना है, आपको ये सेंटेंस प्लस करना है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट, इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट, आपको फिर दोबारा वही डेफिनेशन घुमाकर दूसरे शब्दों में कह देगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने पहले पैराग्राफ की वर्ड लिमिट एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आपको पहले पैराग्राफ में सिर्फ यही लिखना था कि किस तरीके से आप टॉपिक को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखना है। चलिए चलते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। बेटा देखिए होता क्या है, अब सिक्का है, ठीक है, तो सिक्का उछाला, तो हेड या टेल दो तो नहीं, सिक्का तो है समझ में, ऐसे ही आपका टॉपिक क्या है, सिक्का है जिसके पास दो पहलू है, एक हेड भी है और टेल भी है। इस बात से मतलब क्या है, देखिए कोई भी चीज हो उसकी अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी होती हैं। तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक से रिगार्डिंग पीयर प्रेशर कब अच्छा हो सकता है, कब बुरा हो सकता है, मोबाइल फोन कब अच्छा हो सकता है, कब बुरा हो सकता है, वेस्टर्नाइजेशन कब अच्छा हो सकता है और कब बुरा हो सकता है। ठीक है, तो बेटा आपसे ज्यादा अच्छा कौन हो सकता है, इन चीजों में किसी की अगर अच्छाई करने को जाता है हम लोग बस पूछो मत अच्छाई है और बुराई करने को दर्द है तो हम लोगों से बुराइयों करने में बाहर कोई नहीं है, वही काम आपको यहां तो करना है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू राइट द एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ द टॉपिक। यू हैव टू राइट एडवांटेजेस,
या फिर अगर आपका मेरिट है तो मेरिट, वही बात है एडवांटेज या मेरिट, आपको वो लिखने हैं अपने उस टॉपिक के बारे में। कर दोगे ना 30 हफ्तों में, आपको बस खिंच करके उसकी पढ़ाई करनी है। मतलब सपोज करो मुझे तीन अच्छाइयां मिल गई, मैंने वो एक्सप्लेन की 10-10 शब्दों में, तो 30 शब्द हो गए भाई, अब क्या लोगे? ठीक है, तो इतना हो गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या करना है, डिसएडवांटेज या फिर उसके डीमेरिट्स को एक्सप्लेन करना है, किस चीज को, डिसएडवांटेजेस या फिर उसके डीमेरिट्स को, किसको, डीमेरिट्स। अब अगेन बुराइयां करने में हम मान हैं, हमें बता दिया जैसे, तो आपको ये भी क्या करना है, तो बस मैक्सिमम 30 वर्ड्स की आपको वर्ड लिमिट इनमें पैराग्राफ्स में रखनी है, कोशिश करना, क्योंकि वैसे तो आप इन्हें और भी ज्यादा खींच सकते हैं आप खींचना चाहो तो, 30 वर्ड्स आपको इनमें एक्वायर्ड करने हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे 30 वर्ड्स। अब देखिए, अब तक हमने बात की कि उसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है, तो बेटा नुकसान तो है, तो नुकसानों का कोई ना कोई समाधान भी होगा। देखो भाई, कोई भी इस दुनिया में चीज बुरी नहीं होती है, वो इस्तेमाल करने वाले पर डिपेंड करता है कि वो उसे अच्छा बनाना चाहेगा या बुरा। ठीक है, तो समाधान भी होगा। तो क्या करना है आपको अगले पैराग्राफ में, ये पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3, 4, पैराग्राफ नंबर 4 में आपको क्या करना है, आपको वेज बताने टू ओवरकम, वेज टू ओवरकम डिसएडवांटेजेस, ओवरकम डिसएडवांटेजेस, जो उसके डिसएडवांटेजेस हैं हम उनको कैसे, उनसे कैसे दूर आ सकते हैं, उनसे कैसे मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, वो चीज आपको एक्सप्लेन करनी आगे 30 वर्ड्स। ठीक है, आप इन्हें भी आसानी से बता सकते हैं, सुझाव देने में हमसे ज्यादा कोई मान नहीं होता, हालांकि हमें पता है कि हम खुद इस दुनिया के बहुत बड़े वो हैं। ठीक है, लेकिन हम सुझाव देने में तो मायर मायर है भाई, किसी को कोई राय नहीं है हमसे आके लिए, है ना, तो वही सब चीजें करना है। यहाँ भी आपको अपनी राय देनी है यहाँ पर कि भाई आप लोग क्या कर सकते हैं ताकि आप इन सिचुएशंस के परे आ सके। ठीक है, अब पैराग्राफ नंबर 5। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 5 में क्या करना है, आपको कंक्लूजन लिखना है। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट, आप ये करें वो करें फलाना करें ढिकाना करें, मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों का दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करें, इनके पॉजिटिव इफेक्ट्स की तरफ देखें, नेगेटिव इफेक्ट्स की तरफ ना जाए, और आज आप सब ये प्रॉमिस करें कि आप हमेशा अच्छाइयां का ही काम करेंगे, भलाई का काम नहीं करेंगे। मतलब इस तरीके से आपको क्या करना है, अपना कंक्लूजन लिखना है, यू टू राइट अ कंक्लूजन। और भाई ये हो गया आपके फिर से 30 वर्ड्स आपको इसमें खींचने, कम हो जाएंगे कोई बात नहीं, क्योंकि ऊपर वाले पैराग्राफ जो है 3-4 इनमें बेटा वर्ड लिमिट्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अब काउंट करके देखो जरा प्यारे कितने शब्द हो गए, 30, 30, 60, 30, 90 और 30, 120 और 30, 150 लिखना कितना है, 120 से 150 में हो गया कम, हो गई समस्या दूर। और अगर सच में अगर ये आपको कंटेंट हेल्पफुल लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करके बताएं, और आपको किसी और टॉपिक में दिक्कत है तो जरूर हमें मेंशन करके बताएं, और आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं इनके, अगर आपको अदर चीजों के लिखने के फॉर्मेट के बारे में जानना है, अगर आपको अदर चीजें देखनी है किस तरीके से आप इंग्लिश में बेस्ट होना चाहते हैं, किस तरीके से आपको बायोलॉजी सेक्शन में करना है अगर आप बायो के स्टूडेंट्स हैं, तो प्लस और अदर लिंक्स भी मेरे इस डिस्क्रिप्शन में है, चेक कीजिए।